Hi guys, good morning. Yesterday I made a video about two stocks. One of them was Heidelberg Cement and the other one was Justdial. तो हीडलबर्ग सीमेंट की पहले बात करते हैं. तो मैंने उसके टेक्निकल्स देखे थे और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली भी लगा था और हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे ट्रेडिंग एट ऑल. ये उस लेवल से जिस लेवल पे मैंने बात की थी उससे करीब 8 रुपये नीचे है, विच इज़ अबाउट 6 to 7% ऑफ द टोटल वैल्यू. सो आई एम नॉट वरिड, यू नो, बिकॉज मैंने आज एक दिन के लिए नहीं इन्वेस्ट किया है. मैंने इसको इन्वेस्ट किया कम से कम 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है. एंड आई एम 100% श्योर ये हमको कम से कम 15 से 20% रिटर्न देगा उसमें. एंड देन आई टॉक्ड अबाउट जस्टडायल. तो जस्टडायल जब मैंने सुबह वीडियो बनाया था, इट वॉज अबाउट 10:15 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था. तो आप मेरा वीडियो रेफर भी कर सकते हैं. उस समय उसकी वैल्यू थी 407 जब मैं वीडियो बना रही थी. और आप देखेंगे व्हेन इट क्लोज्ड इट वाज अबाउट 20 पॉइंट्स अबव दैट. एंड आज भी इसने इट इज़ एट 431.30 और इसने एक हाई भी लगाया है. देखते हैं क्या हाई लगाया है इसने. तो ये जस्टडायल का ग्राफ है. इसने 435.40 का हाई लगाया है. मतलब जिस पॉइंट से हमने खरीदा था उससे करीब अराउंड 28-29 पॉइंट्स अबव. एंड इफ यू सी, इफ आई जस्ट एनलार्ज इट, अभी भी ये अप ट्रेंड में ही मुझे नजर आ रहा है. एंड सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन, लेट मी जस्ट डिस्कस अबाउट निफ्टी. सो निफ्टी में देखते हैं आज क्या हो रहा है. सो निफ्टी का ये ग्राफ है. निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग के साथ खुली है बट सस्टेन नहीं कर पा रही है. ऊपर से एक रेड कैंडल लगाती हुई आ रही है बट देखते हैं शायद थोड़ा सा सपोर्ट लगे, क्योंकि हमारे सारे ऑल अदर पैरामीटर्स बेसिकली इज सपोर्टिंग अप ट्रेंड. बट देखते हैं क्या होता है. बट एज फार एज द ट्रेड्स आर कंसर्न, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि जो भी आपको ट्रेड्स लेने हैं आज लॉन्ग के ही ट्रेड्स लीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों मुझे अपवर्ड ट्रेंड में ही दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, देन वी कम टू पॉइंट, यू नो, कि वॉट टू डू विद हीडलबर्ग. यू होल्ड इट. अगर आपने मेरे कहने पे खरीदा है या आपने एनालिसिस के उससे खरीदा है, एंड आई वुड सजेस्ट मेरे कहने से आप प्लीज मत लीजिए. अपना एनालिसिस करिए, अपने रूल्स बनाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए और समझिए कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं और उसके बाद खरीदिए. डोंट गो बाय एनीबडीज रिकमेंडेशन बिकॉज इट्स योर मनी, राइट. आपका पैसा है. आप एक मोबाइल भी खरीदते हैं मार्केट से तो आप 15 चीज़ें उसके बारे में देखते हैं, विच मे कॉस्ट यू अबाउट 5-6 थाउजेंड और 10,000 और 12,000 रुपीज़ और इवन 20,000 रुपीज़. आप 500 चीज़ें उसके बारे में सोचते हैं. ये तो आपकी हार्ड अर्न मनी जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आप प्लीज़ अपनी रिसर्च पूरी करिए बिकॉज योर ओन रिसर्च मैटर्स मोर देन एनीबडी एल्सेस रिकमेंडेशन. सो नाउ टुडे अगेन, यू नो, आई वॉज वर्किंग एंड आई यस्टरडे नाइट एंड आई फिगर्ड आउट वन स्टॉक फॉर यू टुडे अगेन. एंड You have to take a call. Please don't go by my recommendation, but I found it good and I'm doing its technical analysis. Aap kharide ya aap na kharide, that choice is yours. So the stock is basically Reliance Infra. So here is its graph. So ye mujhe kal hi bahut acha lag raha tha jab maine Heidelberg aur ye identify kiye the Justdial, tabhi maine isko bhi identify kiya tha aur ek video bhi banaya tha about रिलायंस इंफ्रा. बट सडनली मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड इट बेसिकली एंडेड लिटिल लेसर. बट अगेन सिंस आई थॉट द स्टॉक इज इन द गुड ट्रेंड, आई मस्ट शेयर इट राइट नाउ विद यू पीपल. सो हियर इट इज व्हाई एम आई सेइंग आई एम फाइंडिंग इट अट्रैक्टिव. सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. पहले इसका वन डे देखते हैं बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट यू नो डे ट्रेडिंग. सो प्लीज don't do day trading based on what I teach you here. So this is its one day graph. Aap dekhiye 200 moving average hai aur ye 10 moving average hai aur 10 moving average is just on the verge of crossing it. I'll shift it here. Ye isko just on the verge of crossing hai. And jo mujhe iska ek aur attractive point laga ki ye jo hai double bottom laga ke graph, ye jo stock hai Reliance Infra ka, ye double bottom laga ke aa raha hai niche se, right.
व्हेन अ स्टॉक मेक्स डबल बॉटम, ये एक्चुअली इसकी इट वाज इन द बाय जोन स्टार्टिंग फ्रॉम से 510, वहीं से ये बाइंग जोन पे आ गया था. बट हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो हम वही स्टॉक लेंगे जो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है. ठीक है, तो अभी हमको और वेट करना है टिल दिस 10 मूविंग एवरेज क्रॉसेस. बट सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स मेकिंग द डबल बॉटम, राइट? इट्स लिटिल स्क्यूड बट इट इज गुड इन दैट केस, क्योंकि ये जो सेकेंड बॉटम है वो थोड़ा और हायर लगा है. सो इट काइंड ऑफ इवन अश्योर्स यू मोर दैट द स्टॉक मे बी प्लानिंग टू गो अप. So that was one stock that I had in mind, and I'm sure about it that it should give you a good return in the recent future. And you can check its fundamental, although it's a Reliance company, I'm sure its fundamentals will be strong. But you can go through, go to our the site that I told you yesterday, screener.in, right? So here. So, you know, what I wanted to, meanwhile, when I'm opening it up, I want to tell you one thing that jo main yahan pe bolti hu, it's not just random stuff that I speak. I've learned over years, you know, by hit and trial, by attending conferences, by attending lectures, and by understanding how others are doing it. And I have paid, even for a single candle to understand, I have paid money, right? And I'm here making this entire thing, my learnings, freely available to you. Reason being that I feel if, you know, so many people take, with the same mindset, if they take the trade, we can't go wrong. Like if say thousands of people understand the technicals correctly and take the trade at the right time, then there is lesser probability of going wrong, right? So Reliance Infra, Real Infra. So, yeah. So let's see how it goes. The stock is at a PE of 6.86. I think if any stock is available at a PE which is below 10, it is supposedly very, very good, right? Then you see its dividend yield, 1.56%, right? Book value is 1,040 and the current price is 543. Let's see. Let's go further down and see. What are the pros? Stock is trading at 0.52 times its book value. And the cons are company has low interest coverage ratio and the company has delivered a poor growth. Though the company is reporting regular profit, it's not paying out tax. Company has a low return on equity, 6.25% for past 3 years. Contingent liability, promoters have pledged their holdings, all that. Let's go down further. एंड अगर आप देखेंगे इसकी पीयर कंपनीज में रिलायंस इंफ्रा हैज द लीस्ट पीई. ठीक है, दैट इज वन पॉइंट दैट इज वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग मी टू दिस स्टॉक. एंड देन लेट्स गो टू इट्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. लेट्स से ओवर द इयर्स क्या हुआ है इस प्रॉफिट का, इज इट स्टेबल, इज इट गोइंग डाउन, इज इट गोइंग अप. सो इट इज ऑलमोस्ट इन द स्टेबल रेंज, इट्स नॉट ग्रोइंग ऑल्दो, बट इट इज इन अ स्टेबल रेंज. मार्च में इट वॉज अबाउट 650 crores. Let's see what are the annual results, what do they talk about. So here see, there is a growth, net profit annual usme agar aap dekhenge to there is a growth in the profits. Theek hai, so if you think about not very long duration but for short duration, I'm sure this graph is a good one and you can think about, you know, having it in your portfolio, and it looks promising to me. And as about somebody has commented, you know, that I should do a live trading, I definitely want to do it, but I'm a long-term investor. I don't want to do day trading. I will only do trading in Nifty when I will find a feasible and appropriate time. So I'll tell you what I did and when did I do and what did I do. I'll show you. So that here is the graph of 5 minutes of Nifty. Now see, there is a graph. Here is the 15 minutes graph. So I want to show you what did I do. I made a video on that also. So I did my I did enter the trade at this point, 8407. Okay, I entered at that point and I left my trade at this point here,
which is 8795, which is roughly about making 300 points. So no, 400 points is what I made. So at this point, when I found the resistance, I exited the trade. Now I'm just according to me, I will enter trade today because I am finding a support over here in this region, right? So I will see if I enter today, or I'll wait because today is weekend. Maybe I will not do a trade today. I'll take a call on Monday. So I'm not a person who rushes to do a trade every single day. So 400 points these, and if I work in 2 lot of Nifty or 3 lots of Nifty, it gives me ample amount of money. Or I basically work in 4 lots of Nifty, so that gives me 400 lots and 75. So you can just calculate yourself how much. 300 okay, 4 lots, and into 75, so that is good enough money for me to survive. So this is what I do. I'm waiting for the right opportunity. If I get the right opportunity, I'll do a live trade. But so one thing that I wanted to point out here, definitely I'm going to take up all your suggestions, but please don't expect any recommendation or tips. That is what I don't do. So still, guys, thank you for watching my videos. Please keep on booking your profit. Keep a range. Don't be greedy, because at the last moment, even if you earn money and then you lose it because you are waiting for something more to happen, keep booking your profit. That is very, very important. So all the best, guys. Have a good day and enjoy your trading. Do your trades with confidence, but don't lose money. That is not stock marketing is all about. Please have confidence in your trades when you take them and do them confidently. All the best. If you like my videos, please subscribe to my channel. Thank you so much.